हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन पे वॉलेट में फुल केवाईसी कैसे कर सकते थे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फोन पे ओपन करके दिखा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले फोन पे को ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहां पे देखिए मेरा फोन पे ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर ही माई मेनू पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ देखिए फोन पे वॉलेट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आ गया अनलॉक फुल वॉलेट फीड से। यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी को करने के मांग रहे थे। सिंपली आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है कंप्लीट केवाईसी पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, डरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आईडी कार्ड दिया है। पैन कार्ड से केवाईसी करना है। पैन कार्ड को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे पैन कार्ड का जो होल्डर का नाम रहता है वो आपको यहाँ पे डायल करना है। आपको पैन कार्ड नंबर डायल करके उस पैन कार्ड का जो होल्डर नाम है वो डाल के दिखा देता हूँ। अपलोडिंग के वैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बेसिक केवाईसी डिटेल्स था वो हो चुका है सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। दोस्तों हमारा यहाँ पे पैन कार्ड एडेड हो चुका है, तो हमारा अब इसमें जो है सो आप ऐड कर सकते हैं, जो फोनपे का जो वॉलेट है उसमें आप पैसा ऐड कर सकते हैं और फुल केवाईसी हो जाता है। दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे बैक कर देना है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर वाला अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आना है। नीचे में देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है केवाईसी डिटेल्स। केवाईसी डिटेल्स में आपका जो पैन कार्ड का दो है वो दो नंबर आपको आगे दिखाई देगा, दो पीछे, और आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाते तब। तो वहाँ पे मेरा सक्सेसफुली हो गया, इसलिए हमारे यहाँ पे वेरीफाई केवाईसी डिटेल्स बता दे रहा। और नीचे आपका जो होल्डर नेम रहता है पैन कार्ड का वो आपको नीचे शो करेगा और बाकी ऊपर में आपको पैन कार्ड नंबर चार फर्स्ट कर दो लास्ट का दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों आपको जो है वॉलेट टॉपअप पे आपको सिंपली क्लिक करना है, चेक करने के लिए केवाईसी हुआ या नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे आपको फोन पे वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन नहीं आता, केवाईसी मतलब हो चुका है। तो फिर मैं अभी आपको माई मनी में जाकर दिखा देता हूँ केवाईसी मेरा हुआ या नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली फिर ऐसे हम आते हैं फोन पे वॉलेट में। देखिए दोस्तों हमारा केवाईसी अगर हो गया होगा तो देखिए दोस्तों मेरा केवाईसी हो चुका है, इसलिए हमारा यहाँ पे फोन पे वॉलेट में डायरेक्ट टॉपअप करने के लिए जो ऐड करने का होता है वो डायरेक्ट आ जाता है। इससे मतलब है कि हमारा जो फोन पे वॉलेट का जो केवाईसी है वो हो चुका है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक फोर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।